अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ जिला एवं मंडल अध्यक्ष ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। भिन्न जिले में प्रथम नगर आगमन पर आए मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ का जहां एक ओर गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष रामू सिंह कुशवाहा और सरपंच संघ जनपद अध्यक्ष योगेश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रदेश सरकार से मांग की गई कि या तो पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएं या अधूरे पड़े कार्यों को पुनः कराया जा सके। इसके लिए वर्तमान सरपंचों को अधिकार दिए जाएं। इसको लेकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ ने सरपंच संघ को आश्वासन देते हुए कहा कि हम ये आपकी मांग प्रदेश सरकार तक रखेंगे। इस अवसर पर कई सरपंच मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, दर्जा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल और हमारे क्षेत्र के हैं और बहुत सरल सहज स्वभाव के हैं और संगठन में उनकी बहुत मजबूत पकड़ है, तो मुझे ऐसा ज्ञात है, ऐसा विश्वास है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और उसमें हमारी वो मदद करेंगे कि आप सरपंचों की आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ के साथ कहेंगे कि इनको पुनः दोबारा प्रभार दिया जाए। जनता की जो योजनाएँ महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा जैसी हितग्राही मूलक योजनाएँ हैं वे सुचारू रूप से चल सकें, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि बरुआ जी हमारी बात रखेंगे और इसीलिए हम पूरे जिले के सरपंच इकट्ठे हुए हैं और साथ में उनको ज्ञापन सौंपा है। उनने भरोसा भी दिलाया है कि हम आपकी बात रखेंगे मजबूती से और सीएम से आपकी बात भी कराएंगे।